दशमलव भिन्न में प्रतिशत कैसे निकाले, लिखा हुआ 12.5%। तो सबसे फर्स्ट में जो है ये 12.5 है, इस दशमलव का मतलब होता है हम बटा दे दो, या दशमलव के बदले में एक होता है, समझ गए। यहाँ पर उंगली या कलम रख के ऐसे उड़ा दो, ये उड़ गया, समझ गए। दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो नीचा में बैठाना है, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक ठो अंक है, तो एक ठो जीरो बैठा देना है। तो अब जब ये दशमलव उड़ गया तो क्या बच हो गया यहाँ पे, 125 बटा क्या है चीज है ये 10 है, समझ गए। सबसे फर्स्ट में जो है प्रतिशत को इस तरह से चेंज किया जाता है। अब मांग रहे हैं दशमलव भिन्न में बदले, यानी कि प्रतिशत को क्या बोल रहे हैं, दशमलव भिन्न में बदले। अब इसको करना है गुना, जो है प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 बटे ऊपर में कुछ नहीं है तो एक दे दो, नीचा में 100 तो 100, इस तरह से इसको काटना है। करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो छोड़ देना है। ये करता है क्या चीज़ से, 5 से, ये 5 × 2 = 10, आ 5 × 2 = 10 25 ये हो गया ना, फिर 5 से कटेगी, 5 × 2 = 10 = 25 हो गया ये, अब तो नहीं कटेगा ना, 5 आ बटे ये 5, ये 5 ही ना है, 5 × 1 तो कितना होगा 5, और 10 × 2 = 20। अब जो है 5 में किस से भागा देना है, 20 से भागा देना है, जैसे कि 20 से भागा देना है हमको 5 में। अब जो भागा नहीं होगा ना तो यहाँ पे जीरो बैठा देना है, उसके बाद दशमलव दे करके यहाँ पे एक ठो जीरो दे दो, तो 20 × 2 = 40 बच गया क्या चीज, 1 × 0 = 0। दशमलव के बाद अपने मन से एक ठो जीरो हर एक बार लगा सकते हो, एक ठो जीरो दे दिए, 20 × 5 = 100 क्या चीज हो या 0.25, समझ गए, यही हुआ तुम्हारा आंसर, समझ गए ना। इसी तरह से अगला देखते हैं, इसमें है 0.25%। तो सबसे फर्स्ट में क्या करना है, 0 × 0, दशमलव तो 0.25 है, इसको क्या करना है, इस तरह से उड़ा करके नीचा में एक, दशमलव बाद कितना अंक है, 2 ठो अंक है, तो 2 ठो जीरो बैठा देना है, समझ गए ना। अब इसको जैसे है वैसे लिखना है, हो गया 25 × 100, और प्रतिशत में बोल रहे हैं ना, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 1 × 100, फिर इसको काटना है 25 × 100, ये ऊपर में क्या हो गया, 100 × 4 तो कितना हो जाएगा 400। अब एक में किससे भगा देना है, 400 से भगा देना है, यहाँ दे दो, एक में भगा देना है किससे, 400 से भगा होगा, नहीं होगा ना, एक ठो जीरो दे दो, दशमलव दे दो, नहीं लगा, फिर एक ठो जीरो होगा, तब कितना, फिर नहीं लगा, फिर एक ठो जीरो दे दो, फिर एक ठो जीरो यहाँ लिखो, चरका चार चार नी 8, दो बार में क्या हो जाएगा यहाँ पे 800 हो गया, यहाँ पे 200, फिर जो है एक ठो जीरो आप बैठा सकते हो, तो 4 × 9 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 16 = 16, ये 400। दशमलव के बाद जो है सिर्फ 2 अंक तक का वैल्यू रहता है, इसका आंसर हो गया कितना, 0.0024 आंसर, समझ गए। इसी तरह से नेक्स्ट समझते हैं, 25.5%। तो सबसे फर्स्ट में इसको क्या करना है, 25.5 बटे में 1, दशमलव बाद कितना अंक है, 1 ठो अंक है, तो 1 ठो जीरो दे देना है, अब हो जाएगा ये 225 × 10। अब प्रतिशत में चेंज करना है ना, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना, क्या चीज, 100 से गुना। अब इसको इससे काट देना है, नहीं करता है ये, इस तरह से कट जाएगी, 5 × 10 = 20 हो गया, 5 × 20 = 25, 45, फिर 5 से कट जाएगी, 5 × 45, 5 × 20, ये 9 × 1 तो कितना हो जाएगा 9, 10 × 4 कितना हो जाएगा 10 × 40, अब 9 में 40 से भागा देना है, 40 से भागा क्या चीज़ में होगा, 9 में 0, 40 × 2 = 80 बच गया 0, फिर जो है 1 ठो 0, 4 × 2 = 8, फिर 80, दशमलव बाद कितना अंक तक का वैल्यू, 2 अंक, 0.22 आंसर, ये हुआ आंसर। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें।